टेकमर्ज में मैं सपने पढ़ा का स्वागत करता। आज हम लोग वापस आए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है रियलमी XT वर्सेस रियलमी 5 प्रो। अभी इसी मंथ पे रियलमी 5 प्रो लॉन्च हुआ है, तो अभी हम लोग को लीक से पता चला कि रियलमी XT करके एक नया सीरीज आने वाला है। तो रियलमी XT में हम लोग को जो उसका प्रोसेसर रहेगा और उसका कैमरा रहेगा, वो एक हाईली मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा रियलमी XT में। अभी हम लोग को लीक से पता चला कि रियलमी XT में हम लोग को 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, एंड जो हम लोग को पता है कि रियलमी 5 प्रो में हम लोग को 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है विद क्वाड कैमरा सेटअप। लेकिन अभी XT में भी हम लोग को क्वाड कैमरा सेटअप मिल सकता है, लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें एज अ 64 मेगापिक्सल वर्सेस 48 मेगापिक्सल, तो 64 मेगापिक्सल इज बेस्ट। और अगर हम लोग बात करें इसकी बैटरी कैपेसिटी की, तो रियलमी 5 प्रो वर्सेस रियलमी XT, तो दोनों में हम लोग को 4000mAh की बैटरी मिलेगी। तो इन दोनों के कंपैरिजन में इधर कोई डिफरेंस नहीं है, एंड दोनों में हम लोग को UFS 2.1 का सपोर्ट मिलेगा, एंड वो 3.0 की फास्ट चार्जिंग। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर हम लोग बात करें रियलमी XT के बेस वेरिएंट की, तो इसमें हम लोग को 4G ऑफ रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा, और इसके और भी वेरिएंट्स और एज पर द प्राइस वो डिफर करते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके प्राइसिंग की, तो रियलमी 5 प्रो की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 14,000 से, और रियलमी XT की प्राइस हम लोग को लीक से पता चलेगी 18,000 के आसपास रहेगी। तो इसमें अराउंड 3-4K का डिफरेंस है। अभी देखने वाली बात रही कि हम लोग को और कौन से न्यू फीचर्स मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके डिस्प्ले साइज की, तो रियलमी 5 प्रो में हम लोग को टीयर ड्रॉप नॉच मिलता है, एंड रियलमी XT में हम लोग को टीज हुआ है कि ये पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ आने वाला है विद 64 मेगापिक्सल एज अ प्राइमरी कैमरा एट द रियर साइड। जैसे कि हम लोग को पता है कि ये गेमिंग बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है एट 2.0, तो ये दोनों फोन्स में रहेगा। दोनों फोन्स में बहुत सारे सिमिलरिटीज है, एंड हम लोग बात करें इसके प्रोसेसर की, मतलब परफॉर्मेंस की, तो रियलमी 5 प्रो में जैसे कि हम लोग को पता है कि स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर मिलता है, वो बहुत अच्छा है AI और गेमिंग के लिए। लेकिन अभी हीलियो ने एक नया प्रोसेसर निकाला है स्पेशली फॉर ट्रू गेमिंग, तो ये प्रोसेसर हम लोग को रियलमी XT में देखने को मिल सकता है, जिस प्रोसेसर का नाम है हीलियो G90 और हीलियो G90T। तो ये देखने वाली बात है कि इसमें हम लोग को और कौन से न्यू बेंचमार्क M2 और Geekbench में देखने को मिलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेटर और अच्छा लगा, क्या वो Realme 5 Pro है या Realme XT है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरीज और सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।